टू यू कैन से यू नो प्रोटीन बिस्किट्स, वो रेंज पूरी की पूरी आएगी, वो बहुत जल्दी आएगी मेरे हिसाब से, कपल ऑफ मंथ्स एंड यू हैव दैट प्रोडक्ट कमिंग इन। तो बिस्किट की पूरी रेंज, स्नैक्स की एक रेंज आ रही, पूरी एक स्नैक्स की रेंज आ रही, जैसे चिप्स आ रहे हैं ना अपने प्रोटीन चिप्स। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आपके सोयाबीन जो होते हैं ना, सोयाबीन को हम उबालते हैं, उबालने के बाद उसके छिलके को निकालते हैं, उसको छिलके को निकालते हैं, फिर सोयाबीन के ऊपर हम एक फंगस डालते हैं, एक फंगस डालते हैं जिसको बोलते हैं टेम्पे, वो फंगस डालते हैं, उसको सड़ने देते हैं एक बैग में, वो सड़ने लगता है तो ये फंगस क्या करता है, ये माइसिलियम जैसा, जीएल जैसा, तो ये वो जाके वो सोयाबीन को तोड़ता है, उसकी सब न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है खाने के लिए, खुद के लिए, तो वो पूरा उस पर उगता है, पूरा रुई की तरह हो जाता है व्हाइट कलर का, जैसे फंगस आपने देखा ना ब्रेड के ऊपर कैसे जमा होता है, उसी तरह ये पूरा उस पर व्हाइट कलर एकदम कॉटन की तरह दिखता है, एकदम प्योर कॉटन की तरह, तो पूरा उस पर जमा हो जाता है, उसको तोड़ देता है वो सोयाबीन को, तोड़ते वक्त वो अपने लिए अपना खाद्य बनाता है, आयरन निकालता है, पोटेशियम निकालता है, जितने भी मिनरल्स है वो तोड़ देता है, वो तोड़ने के बाद उसके पास अपने पास रखता है ताकि वो जब फ्रूट बॉडी आए तो उसमें यूज हो जाए, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको चिप्स बनाते हैं, कट करते हैं, लंबी लंबी चिप्स बनाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, और आपके पास एक हाई प्रोटीन चिप्स आ जाती है जिसको खाने से आपको जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी, वो पूरी होगी। तो ये वाला प्रोडक्ट भी हमारा ट्रायल में हो चुका है, दिस विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज कमिंग। फिर स्नैक कैटेगरी में मखाना आ रहा है, मखाना बताया ना आपको, लोटस सीड्स, वो भी आ रहा है, चकलो इसके साथ, किसके साथ, अभी कम्बुचा के साथ, ओके, चकला भी दे रहा हूँ, छोटा नहीं, एक भी पार्टी होम पार्टी तो चाहिए चाहिए, ऐसे लोड करो कम्बुचा की बॉटल फ्रिज फ्रिज में डाल के यहाँ वाला लोड करो और चकने के साथ खाओ, अच्छा चकना है। ओके, लोटस सीड कैल्शियम रिच है, बहुत बेनिफिट्स है उसके, ओके, बहुत मुश्किल से वो बनता है जहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे हैं, करीबन आप जब उसका वीडियो आएगा आप देखोगे लोग अपनी लाइफ को रिस्क करके वो निकालने जाते हैं मखाना, मखाना इतना ईजी नहीं है, और आज वर्ल्ड में इतना डिमांड है कि उसकी प्राइसिंग भी बहुत ये महंगी हो रही है, लेकिन मैं मुझे ऐसा लगा कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो ऐसा टाइम पास में भी खाना मज़ा आ जाए तो डीएक्सएल लगे। इसके अलावा ये स्नैक्स रेंज होगी, स्नैक रेंज में और हम लोग ला रहे हैं आपका प्रोटीन बार चॉकलेट, तो एक खाना मिस कर लो और एक स्प्रिलिना का बार खा लो, ईजी है ना, मुंबई में तो लगेगा ही लगेगा, मुंबई में इतना लाइफ बिजी है, वड़ा पाव से हमको स्विच करना पड़ेगा एक बार में, चलेगा ना, वो चलेगा, यू नो अच्छा एक बार होगा न्यूट्रिशन बार, आप उसको खा लो, एनर्जी मिलेगी, फिर वो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, गैराडमा है, स्प्रिलिना है, नोनी है, ऐसे कैटेगरी का है। फिर सुबह के स्नैक्स के लिए आपका सीरियल आ रहा है जो ग्रैनोला है, सुना है ग्रैनोला नाम, ग्रैनोला क्या होता है, सब ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन से बना हुआ नाश्ता, जैसे केलॉग्स का ये होता है ना मेज का, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ मेज यूज करते हैं, ग्रैनोला होता है बहुत सारे ऐसे सीड्स को लेके उसका सुबह का नाश्ता बनाते हैं, तो वैसे ही नाश्ता जिसमें बादाम बिदाम सब कुछ रहता है उसमें, किशमिश विशमिश आपको लेना है, उसमें स्प्रिलिना भी है, उसमें गैराडमा भी है, सब कुछ आपने लेना है, दूध डालना है और नाश्ता करके निकल जाना है, तो ये वाला भी फास्ट स्नैक भी आ रहा है। फिर हमारे सीरियल्स तो आ ही रहे जो फैक्ट्री से बन रहे हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए और हमारे लिए टाइम पास के लिए हम ला रहे गमीज, स्प्रिलिना गमीज, ओके, गैराडमा गमीज, सिर्फ ऐसे चबाने के लिए, क्योंकि गुटखा और पान खाने वाले बहुत लोग हैं, क्या ये मुंह है ना, मुंह चुपने कर सकता है नहीं, या तो इसको बोलना होता है, या इसको ये जुबान है ना ऐसी कभी शांति से बैठती नहीं है, कभी तो इसको हिलना ही पड़ता है, तो उसको क्या देते हैं, या तो फिर गुटखा देना पड़ेगा या तो फिर गमीज देना पड़ेगा, गमीज ज्यादा अच्छा है तो हम गमीज दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोग आ रहे हैं मिंट, पता है मिंट जी मिंट जैसा है, लेकिन इंडिया का स्पेशल मिंट आ रहा है टीम पैक में, ब्यूटीफुल, वो जो ऐसे बजाते वाली ऐड देखी थी ना, चिक 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 चिक, वैसे ही टाइप का हमारा भी मिंट आ रहा है, ब्यूटीफुली डन, हमारा ऑलमोस्ट ट्रायल्स हो गए, वो भी आ रहा है। प्रोडक्ट की बातें करो तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इन रेंज है। ये क्यों आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट इसलिए आ रहे क्योंकि आप किसी का दरवाजा खटखटा सको, किसी को ग्रैनोला इंट्रोड्यूस कर सको, किसी को स्प्रिलिना इंट्रोड्यूस कर सको। बहुत बार ये होता है लोग आरजीजीएल स्प्रिलिना देके क्या सोचते हैं, हमारे लिए नहीं है, लेकिन एक गोली वो फ्रेशनर के लिए ठीक है, वहां से एंट्री होती है आपकी, ओके, दीवार तोड़नी होती है ना बड़ी वाली, तो आप धक्का मार के नहीं तोड़ सकते,
एक कील लेके उसको पहला वाला होल डालना पड़ता है, राइट और नो, उसके बाद फिर बड़ा होल करते करते दीवार को तोड़ सकते हैं। किसी की माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन दोगे, कोई नहीं चेंज होगा। एक छोटा सा प्रोडक्ट डाल दो उसके दिमाग में, वहां से एंट्री कर दो और फिर तोड़ दो दीवार, उनकी कॉन्सेप्ट की दीवार, समझ में आया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे छोटे छोटे कील देने वाला हूँ मैं, बहुत ऐसे कीले आने वाले छोटे छोटे, जैसे हो गया अभी सैनिटरी पैड्स आ रहे हैं लेडीज के लिए, वो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो उससे एंट्री होगी घर में, सेफ है, कोई ना नहीं बोल सकता। फिर हमारे से फेशियल मास्क आ रहे हैं, अलग अलग मास्क लगाने के लिए, विद स्पिरुलिना, नोनी, इसके मास्क सिर्फ लगाना है और रखना है, ये ऐसे मास्क आ रहे हैं, इजी प्रोडक्ट आ रहे हैं। फिर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अगर जम गया तो राइस ब्रैन ऑयल भी लाने की कोशिश करूँगा, अगर वो आ गया तो एक फैंटास्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर पंच तुलसी ड्रॉप्स, वो भी हम कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा सीक्रेट आज आपको बता दें, हमारे इंडिया में जितनी भी टॉप की कंपनियां होगी, अगर है तो हम तो है ही, अगर दूसरी भी अगर होगी, उसके जो भी टॉप के प्रोडक्ट्स होंगे वो 100% डीएक्सएल में होंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स अगर नहीं होंगे कभी भी नहीं हो सकते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी देखो, वो फिनिशिंग वाली स्ट्रैटेजी है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे इसमें रहेंगे, और वो भी सस्ते में, भले उसमें हमने एक रुपया भी नहीं कमाया फिर भी हम उसको डालेंगे हमारे इसमें। ओके, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ओके, वन अच्छी स्ट्रैटेजी है, बुरी है? अच्छी है, सामने वाले को खत्म करने की। ओके, क्योंकि दुश्मनी नहीं करनी है, आपको उनको खत्म करना है, जब खत्म ही हो जाएंगे तो दुश्मनी नहीं रहेगी, रखोगे तब दुश्मनी होगी, जब सामने बचा ही नहीं कोई तो कल की दुश्मनी, राइट? तो फिनिश ऐसे करना है। तो प्रोडक्ट सब जितने भी है उनके टॉप एंड प्रोडक्ट्स हमारे इसमें 100% आने वाले हैं, और इसके ऊपर काम चल रहा है, स्पेशल टीम सिर्फ यही काम कर रही है। तो पंचतुलसी ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, किसी एक कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो, तो हमारा भी होने वाला है। उसके अलावा हमारा फर्स्ट टाइम एवर, क्योंकि बाकी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है च्यवनप्राश बेच रही है, बाकी ये रिटेल कंपनियां भी च्यवनप्राश बेच रही है। च्यवनप्राश बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में, इतना बड़ा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े अभिनेता है उसको एंडोर्स करने आते हैं, सोच लो बड़ा मार्केट होगा 100%। तो ऐसे प्रोडक्ट का कुछ वेरिएशन हम लेके आए हैं, हम फर्स्ट टाइम एवर लेके आए लिक्विड च्यवनप्राश लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो जो ऐसा चाटने वाला कोई नहीं करता आज की डेट में, ऐसे उंगली डाल के चाटे, चम्मच डाल के चाटने वाला जमाना गया, अभी जो है उसको इवॉल्व किया है। हम जितने भी वनस्पति यूज होते हैं च्यवनप्राश में, ऑल वो पूरे इसका हम लोग काढ़ा बनाते और उस काढ़े से बनता है जूस, और च्यवनप्राश में जीरो शुगर, नो शुगर, क्योंकि शक्कर चाहिए ही नहीं। अभी जो आपको मार्केट में च्यवनप्राश मिलता है ना, लोडेड विद शुगर है, क्योंकि वो खा ही नहीं सकते, इतना कड़वा होता है, इसलिए शक्कर डालनी पड़ती। लेकिन जब काढ़ा बना देते हो तो उसका टेस्ट नेचुरल रहता है, और ये च्यवनप्राश बहुत अचंभे की बात है कि छोटे बच्चे ना, दो दो साल के, वो पूरा का पूरा पी जाते हैं। जहाँ बच्चों को जबरदस्ती पिलाने की बात थी, अब ये बच्चे जबरदस्ती पीते हैं और खत्म भी कर सकते पूरी की बॉटल। तो ये हमारा बॉटल आ रहा है, इतना बड़ा बॉम्ब जैसा ही है वो, ओके, न्यूट्रिशनल बॉम्ब बोलते हैं हम उसको, कि ये इतना इजी होने वाला है आपको पोजीशन करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इन फ्यूचर कॉस्मेटिक रेंज हम लोग लेके आ रहे हैं। एक ट्रायल अभी हो गया, कल ही मेरे को बताया उसने कि हैंड वॉश जो है वो भी सैशे में आ रहा है, तो पाउडर रहेगा, आप डालो पानी, बना लो अपने घर में हैंड वॉश, ओके, जितना चाहिए। तो वो उसका लॉजिस्टिक्स करते हुए, प्राइसिंग कम करते हुए कर रहे हैं। फिर और एक ट्रायल हुआ है प्रोडक्ट का, वी आर डूइंग इज कम्बुचा की रेंज आने वाली अलग अलग, ओके, अश्वगंधा रिच कम्बुचा, फिर पचोली रिच कम्बुचा, कम्बुचा पेट के लिए, कम्बुचा हार्ट के लिए, कम्बुचा लिवर के लिए, अलग अलग इससे बना हुआ कम्बुचा। और ये कम्बुचा नॉर्मल कम्बुचा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ये कम्बुचा तो सिर्फ ट्रायल है, ये क्या है, ट्रायल है। 7-7.5 करोड़ इन्वेस्ट करके हमने सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी कम्बुचा की डीएक्सिंग की है सिद्धिपेट, सबसे बड़ी ऑटोमेटेड प्लांट, यहाँ से चाय उबल रहा है, वहां से जा रहा है, वहां फर्मेंटर में जा रहा है, उसमें वो फर्मेंट करके ऑटोमेटिकली प्लांट करके बाहर पैक करके निकल रहा है। अभी तो मैन्युअली कर रहे हैं, लेकिन जो सेटअप बनेगा वो पूरा वर्ल्ड क्लास सेटअप बनेगा, और उसके बाद हम इंडिया की, शायद साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी जो कम्बुचा बनाती है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा हुआ। तो उसके अलावा यू नो, अगर सिद्धिपेट की बात करें, जो प्रोग्रेस हो रहा है,
कल्टीवेशन हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मशरूम का रेंज बढ़ने वाला है। मशरूम हमें और एक कोशिश कर रहा हूँ, जैसे गैनोडोमा है, अभी गैनोडोमा हमारा आता है आरजी और फॉर्म में, राइट, पाउडर फॉर्म में आता है, कैप्सूल में, उसकी टैबलेट भी आ रही है। जिनको कैप्सूल नहीं पसंद उनको टैबलेट फॉर्म में भी मिलेगा, टैबलेट के अलावा पाउडर तो मिल ही रहा है। ओके, उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रेडेड मशरूम, मतलब जब मशरूम होता है उसी को टुकड़े जो करके एक वो पैक बनेगा, ताकि आदमी को पूछे ना कि ये कौन सा मशरूम है, जब वो हाथ में देखेगा तो ये मशरूम का ही टुकड़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा टुकड़े के साथ मशरूम हम देंगे। तो आप ये मशरूम, आप जैसे सूप बना रहे हो घर में, तो एक चम्मच गैनोडोमा का मशरूम का आप जो श्रेडेड मशरूम डाल के उबाल सकते हो। चाय बना रहे हो, अभी तो हम अपनी चाय बेच रहे हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसमें और गैनोडोमा डाल के बना सकते हो। ये खास करके जो कैंसर पेशेंट वगैरह रहते हैं उनको सूप देना पड़ता है, और डॉक्टर बोलता है सप्लीमेंट नहीं देने का, ये नहीं देने का, वो देने का, सूप दे सकते हैं, हाँ सूप दो, मशरूम का सूप दे सकते हैं, हाँ दो, ये देखो ये मशरूम है उसका सूप दे सकते हैं, हाँ ये दो, लेकिन कैप्सूल मत देना। तो इसको देना डोल डोल के, समझ में आया, वो डॉक्टर खुद मानेगा कि ये सूप चल सकता है। तो उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हम लोग श्रेडेड मशरूम ला रहे हैं। श्रेडेड मशरूम एक नया कॉन्सेप्ट है जो मार्केट को एंट्री करने में और इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये मैं और डॉक्टर लेम हम लोग हमेशा कहते हैं ये गुरुकुल सिस्टम है। ओके, आज देखो हमारी भारत की धरोहर जो थी ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास की गई, ना कि कॉलेज टू कॉलेज। आज के देश में जो एजुकेशन आपको मिल रहा है आयुर्वेद का, ये हमारी बेसिक जरूरत थी। हर एक हमारा एक ग्रंथ है अष्टांग संग्रह, ओके, भागवत ऋषि ने लिखा हुआ है और कंपाइल किया हुआ है, आठ अंगों का से बना हुआ है ना। तो ये इसमें ये लिखा गया है कि वैद की जरूरत सिर्फ 15% बीमारियों की लगती है, बाकी के 85% उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 85% चीजों के लिए वैद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी अक्ल की जरूरत होती है। और वही चीज बनाने के लिए हमारी ये एजुकेशन सिस्टम है। आज आप देखो हम लोगों ने आपको सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा दिया है, एक MD आयुर्वेदा की डॉक्टर आपको आके पर्सनली आपको सिखा रही है कैसे यूज करने हैं प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एम्पावर कर रही है, तीसरी चीज फिर भी अगर आप डॉक्टर मत बनो वो बोलती है डॉक्टर मत बनो, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद आपको पेशेंट हैंडलिंग करना पड़ेगा, पेशेंट ये हो गया वो हो गया, तो उसके लिए भी सपोर्ट सिस्टम है DXN क्लिनिक्स। आप अपने वो चीज में जाओ ही मत, आप बोलना ये रहा वेनेसडे का, अगर पैसे नहीं है तो वेनेसडे का फ्री कंसल्टेशन करवा लो, अगर पैसे है तो पेड कंसल्टेशन करवा लो, बात कर लो, आप बात कर लो, पहचान मेरी लेगा देना, क्योंकि जब वहां से क्लिनिक से प्रिस्क्रिप्शन आएगा वो प्रिस्क्रिप्शन में जब लिखा होता RG GL स्पिरुलिना, वो कहाँ जाएगा लेने के लिए, वो आपके पास वापस आएगा, ये देखो ये कहाँ लिख दिया, मैं गया था मेडिकल स्टोर में तो वहाँ तो मिल नहीं रहा, ये क्या है RG GL, तो फिर हमारे डॉक्टर ने जो लिख के दिया है वो तो लेना पड़ेगा ना, बेचारे वो क्या करेगा, तो किसके पास आएगा, तो फार्मेसी कौन चला रहा है, आप चला रहे हो, मेडिकल स्टोर आपका ऑलरेडी खुल चुका है ये बीमारियों के लिए जो बीमार व्यक्ति है, लेकिन जो हेल्दी व्यक्ति है उनके लिए आप बिंदास ट्रेनिंग दो, कितने बेनिफिट्स होते हैं, स्पिरुलिना क्या है ये हो, तो बीमारियों से आप वो रिस्क लो ही मत, वाद विवाद में फंसो ही मत। नंबर दिया है, अब महीने में 4 दिन तो फ्री कंसल्टेशन है, ओके, उसके बाद में भविष्य में एक कस्टमर केयर सिस्टम भी शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे कॉल सेंटर रहेगा, बीमार व्यक्ति उधर फोन करेगा, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर्स उनको फ्री में सलाह देंगे। और ये सलाह हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं हो गई, वापिस मैं आपको बता दूँ उद्देश्य यही होगा कि कोई भी चीज़ हो, नॉट नेसेसरी DXN प्रोडक्ट्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर को हम फ्रीडम देते हैं। कहीं भी मैंने डॉक्टर को ये नहीं बोला कि आपको ये प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसी चीज़ें करनी है ताकि आप कुछ माल बेचो, क्योंकि जो मैंने नहीं किया मैं वो करवा भी नहीं सकता। मैंने कभी भी माल बेचने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं किया, नॉलेज देने के लिए किया है, नॉलेज देते देते माल बिका वो दूसरी बात है, राइट। तो आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम को आप कंटिन्यू करो, जितना एजुकेट होगे उतना नॉलेज आएगा, जितना नॉलेज आएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में दिखेगा, क्योंकि लोगों की जिंदगी बदलना शुरू हो गई आपके कॉन्फिडेंस से। तो ये सब डर कब निकलता है, जब क्लास अटेंड करते हो,
तो स्टूडेंट जिंदगी भर बने रहो, आखिरी दम तक बने रहो, क्योंकि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, याद रखना ये चीज़। तो हमारा जो ये सिस्टम एजुकेशन हेल्थ का, इसको आप कंटिन्यू करो। ओके, रही बात मेरी बात करने की, तो मैं सुबह से बड़ी बड़बड़ी तो कर ही रहा हूँ। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। उम्मीद तो मैंने कल बताई थी आपको कि DXN जिस राह पे चल रही है, हम दुनिया की नंबर वन कंपनी तो बन ही जाएंगे, उसमें कोई चांस ही नहीं है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो तो बनने वाले ही है। जिस हिसाब से जैसे जैसे बोलते ना, राशन जितना भराया जा रहा है तो समझना बारात भी बड़ी आने वाली है, राइट और किलो किलो राशन आ रहे हैं तो बारात कितनी होगी, लाखों की होगी ना, तो शादी तो धूमधाम वाली होने वाली है, राइट। तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, जिस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतनी फैक्ट्री बना रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, मशीनरी लगा रहे हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, इतने लोग, वो किसके लिए, आप बारातियों के लिए, है? ताकि आप इस बारात में आओ ये जो है, और यहाँ पॉसिबिलिटी जितना एंजॉय कर सकते करो, नॉलेज लो, लोगों की हेल्प करो। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगे, डाउट रहेंगे, तो प्लीज़ पूछना। ओके, मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ। और रही बात मेरे हिसाब से सिंपल करने की, लाइफ को सिंपल करो, कॉम्प्लिकेट मत करो। आदमी की आशाएं उम्मीदें ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत ये है जो है मेरे पास वही रियल फैक्ट है। जब डॉक्टर लिन ने ये डीएक्शन शुरू किया था, कैनन नंबर का लेके शुरू किया था, अगर वो सबको देते थे सैंपल कि बताओ टेस्ट करके कैसा लग रहा है आपको कैनन नंबर, कितने लोग लेते थे, नहीं लेते थे, सॉरी सर, कैसे दिखता है वो देखो, कोई नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट बताता है। ओके, हर एक का एक सफ़र होता है, डीएक्शन का अपना एक सफ़र था। हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं वो कितना बड़ा होने वाला, वो वक्त के साथ बड़ा होता ही जाता है, राइट, क्योंकि वो हाथी है। डीएक्शन जब बन शुरुआत भी की थी, वो बना डायनासोर ही बनने वाला था, वो बड़ा ही बनने वाला था वो, क्योंकि नीवी वैसी रखी गई थी। आज भी वो, आप कुछ भी करो वो रुकने वाला नहीं बढ़ने से, कितने भी लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन डीएक्शन बढ़ना कभी नहीं रुकेगा, डीएक्शन बढ़ते ही जाएगा, कारवा बढ़ेगा, लोग जुटे जाएंगे, हर एक देश से जुड़ेंगे, और इतने जुड़ेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, इतने जुड़ेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ओके, कि इतना बड़ा बन गया है, और उस बड़े कंपनी में हमारा एक छोटा सा हम कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। जैसे टीवी पे होता ना, टीवी पे कितने पिक्सल होते हैं, छोटे 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 छोटे, जो लाइट छोड़ते हैं, पता है वो कितने होते हैं, आप ये नहीं बोल सकते ये वाला पिक्सल काम का नहीं है, लगा के पिन लगा के देखो आपकी पूरी टीवी खराब हो जाए, राइट ना, हर पिक्सल अपनी लाइट अलग से छोड़ता है और सीन दिखता है। उसी तरह हर नेटवर्कर हमारे लिए डीएक्शन में उतना ही इम्पोर्टेंट है, फिर वो स्टार एजेंट हो या सिर्फ एक कंज्यूमर हो या फिर क्राउन एम्बेसडर हो, इसमें कहीं ना कहीं कोई भी फर्क नहीं किया जाता, सबके लिए अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखना, वी आर अ कंपनी ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हम कभी भेदभाव नहीं करते। अगर कभी ऐसा लगा आपको कि भेदभाव हो रहा है, कभी ऐसा लगा कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है, कभी लगा मैंने जो आज बताए थे जो प्रिंसिपल्स, ये टूटे जा रहे हैं, ये तोड़े जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है ये सामने लेके आए, वो अगर आप लेके आओगे करेक्ट करना हमारा काम है। ओके, समाज अच्छा ही होता है, कुछ चंद बुरे लोगों की वजह से वहाँ बुराई फैलती है। ओके, तो उन बुराई फैलाने वाले बच्चों को, लोगों को अगर हम पकड़ पाए, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में निकाल दिया, समाज अच्छा के अच्छा हमेशा रहेगा ही रहेगा। ओके, तो आप लोग कोई भी सवाल है डीएक्शन से जुड़ा हुआ, एनीथिंग हेल्प, बिस्किट क्या आने वाली है, मैंने क्या किया, साउथ का एक बड़ी बिस्किट कंपनी का एक उनका आप बोल सकते ना चीफ फैक्ट्री मैनेजर, वो मुझे मिला, वो रेफरेंस से आया था, मिस्टर जीजीत के रेफरेंस से आए थे, तो मिले, तो इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उसके कान से सुना, उसका एक्सपीरियंस था, पिछले 3 साल में उसने उस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बना दिया था, बिस्किट के बारे में अंदर का अंदर सब कुछ जानता है। जैसे उसने बिस्किट बोला, हमने बोला ओके इसको लो, क्योंकि बिस्किट चाहिए हमें, नाश्ता हमारा होना चाहिए तो डीएक्शन के बिस्किट के साथ होना चाहिए, राइट। तो हमारा प्लान क्या है, अभी मेरा ऑलरेडी प्लान है, तो और महंगी भी बिस्किट नहीं होगी, जो मार्केट में मिल रही है ना 60-70 रुपए की अच्छी, या 100 रुपए के अंदर वाली अच्छी क्वालिटी की, वेरी गुड प्रीमियम बिस्किट्स, कुछ बिस्किट्स कैनडमा स्प्रुलिना ये तो रहेगी रहेगी, नट्स
वो सब अलग अलग रेंज आएंगे. तो हमारा प्लान है पूरा फ्रॉम मिल्क बिस्किट्स टू यू कैन से यू नो प्रोटीन बिस्किट्स, वो रेंज पूरी की पूरी आएगी, वो बहुत जल्दी आएगी मेरे हिसाब से, कपल ऑफ मंथ्स एंड यू हैव दैट प्रोडक्ट कमिंग इन. तो बिस्किट की पूरी रेंज, स्नैक्स की एक रेंज आ रही, पूरी एक स्नैक्स की रेंज आ रही, जैसे चिप्स आ रहे हैं ना अपने प्रोटीन चिप्स. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आपके सोयाबीन जो होते हैं ना, सोयाबीन को हम उबालते हैं, उबालने के बाद उसके छिलके को निकालते हैं, उसको छिलके को निकालते हैं, फिर सोयाबीन के ऊपर हम एक फंगस डालते हैं, जिसको बोलते हैं टेम्पे. तो फंगस डालते हैं, उसको सड़ने देते हैं एक बैग में, वो सड़ने लगता है तो ये फंगस क्या करता है, ये माइसिलियम जैसा जीएल जैसा, तो ये वो जाके वो सोयाबीन को तोड़ता है, उसकी सब न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है खाने के लिए, खुद के लिए. तो वो पूरा उस पर उगता है, पूरा रुई की तरह हो जाता है वाइट कलर का, जैसे फंगस आपने देखा ना ब्रेड के ऊपर कैसे जमा होता है, उसी तरह ये पूरा उस पर वाइट कलर का एकदम कॉटन की तरह दिखता है, एकदम प्योर कॉटन की तरह. तो पूरा उस पर जमा हो जाता है, उसको तोड़ देता है वो सोयाबीन को. तोड़ते वक्त वो अपने लिए अपना खाद्य बनाता है, आयरन निकालता है, पोटेशियम निकालता है, जितने भी मिनरल्स है वो तोड़ देता है. वो तोड़ने के बाद उसके पास अपने पास रखता है ताकि वो जब फ्रूट बॉडी आए तो उसमें यूज हो जाए. लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको चिप्स बनाते हैं, कट करते हैं, लंबी लंबी चिप्स बनाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, और आपके पास एक हाई प्रोटीन चिप्स आ जाती है, जिसको खाने से आपको जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी, वो पूरी होती है. तो ये वाला प्रोडक्ट भी हमारा ट्रायल में हो चुका है, दिस विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज कमिंग. फिर स्नैक कैटेगरी में मखाना आ रहा है, मखाना बताया ना आपको, लोटस सीड्स, वो भी आ रहा है, चकलो इसके साथ, किसके साथ, अभी कंबुचा के साथ. ओके, चकला भी दे रहा हूँ, छोटा नहीं, एक भी पार्टी घर होम पार्टी तो चाहिए चाहिए, ऐसे लोड करो कंबुचा की बॉटल फ्रिज फ्रिज में डाल के यहाँ पर लोड करो और चकने के साथ खाओ, अच्छा चकना है. ओके, लोटस सीड कैल्शियम रिच है, बहुत बेनिफिट्स है उसके. ओके, बहुत मुश्किल से वो बनता है, जहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे हैं करीबन, आप जब उसका वीडियो आएगा आप देखोगे लोग अपनी लाइफ को रिस्क करके वो निकालने जाते हैं मखाना. मखाना इतना ईजी नहीं है, और आज वर्ल्ड में इतना डिमांड है कि उसकी प्राइसिंग भी बहुत ये महंगी हो रही है. लेकिन मैं, मुझे ऐसा लगा कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो ऐसा टाइम पास में भी खाना मज़ा आ जाए, तो डीएक्सएल लगे. इसके अलावा ये स्नैक्स रेंज होगी, स्नैक रेंज में और हम लोग ला रहे आपका प्रोटीन बार चॉकलेट, तो एक खाना मिस कर लो और एक स्पिरुलिना का बार खा लो. अलग अलग वेरिएंट का मशरूम आ रहे हैं, लाइन स्पेन आ रहा है, कॉर्डिसेप्स आ रहा है, ये सब हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं. ऑलरेडी कल्टीवेशन शुरू हो चुका है, डिमांड इतना था कि इंडिया में लॉन्च नहीं कर पाए, हम लोग को मलेशिया भेजना पड़ा, उल्टा गया पहली बार गंगा. मलेशिया से माल इधर आता था ना, इस बार मेरा 4 टन लाइन स्पेन इंडिया से मलेशिया गए, उल्टा हो गया, गंगा उल्टी बहने लगी है. उल्टी गिनती की पावर देखो, पूरी उल्टी गिनती की पावर है, पूरी सिस्टम चेंज हो रही है. तो इंडिया इज बिकमिंग द हब ऑफ डीएक्सएल, पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इंडिया में आना चाहती है देखने के लिए इंडिया क्या है. और जब वो इंडिया आएंगे तो वो आप लोगों को देखेंगे. ओके, आप इंडिया की धरोहर हो, आप इंडिया की एक शान हो, उसको बरकरार रखिए. नॉलेज, इंडिया का जो नॉलेज है ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है. अभी भी इंडियन बोला तो क्या सोचते, ज्ञानी बाबा तो समझ ही लेते, लेकिन ज्ञानी तो समझते. ओके, तो अज्ञानी बाबा काम का नहीं है, ज्ञानी बाबा अच्छा है. तो ज्ञान लो, जितना भी मौका मिले सेशन अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, सवाल रहेंगे पूछो, पूछने से डरना नहीं. ओके, और करने से कभी मुकरना नहीं. ये अगर करते रहोगे जिंदगी देखो किस रास्ते पे लेके जाएगी आपको, आपको भी पता नहीं कि मंजिल के उस पार क्या खूबसूरत समा है. ओके, आपको कोई अंदाजा नहीं है, जाके देखो तो सही. जब आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख 10 लाख 20 लाख आते रहेंगे, आपको टाइम इधर उधर घूम रहे हो, जिंदगी के जो असली मजे आप जब लेओगे तो भी तो मजा आएगा. समझ में आया? और ये पॉसिबल है क्योंकि कहते हैं जहां नदी बहती है उसी के बाजू में अपना घर बनाओ, पानी भरने की जरूरत नहीं है. अभी लोग नदी के दूर किनारे बाहर किधर तो घर बनाते हैं, और क्या रोज मटका लेके पानी भर ले जाते, वापिस लेके आते. ये कौन है? सैलरी वाले. मटका लेके जाते भर के पानी लेके आते, मटका लेके जाते पानी भर के जाते, राइट ना? अरे यहाँ गंगा वैली है, उसके बाजू में अपना घर बसा लो, अपना कुटिया लगा लो, जब मन करे तो अंदर डुबकी, बाहर तो बाहर पानी भी मार.
चलो फिर मेरे हिसाब से मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक या। और साबुन, या साबुन की भी बहुत सारी वैरायटी आ रही है। अच्छा, सो टॉयलेटरी फैक्ट्री से हमारा आ रहा है टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम अभी कोई और कंपनी का यूज नहीं करने का, टॉयलेट भी साफ करना है तो हमारे डीएक्सएन टॉयलेट क्लीनर से। आपका वॉशिंग लिक्विड तो आ गया है, अभी आपका आ रहा है सोप भी, सोप के भी वेरियंट्स आ रहे हैं। हमारा गैनोजी सोप राजा है और राजा को राजा की तरह ही रखेंगे, लेकिन राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए, तो छोटे छोटे प्रजा वाले लोग भी आएंगे। एलोवेरा सोप आएगा, टर्मरिक सोप आएगा, ये छोटे मोटे सोप है, ओके 60-70 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, लेकिन ये राजा के साथ आएंगे। ओके, राजा अपनी हिसाब वही रखेगा, जो उसकी कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका फंक्शन है वही रहेगा, लेकिन छोटा काम करने के लिए छोटे छोटे सोप भी आएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से दैट विल बी गुड ऑल्सो। ओके, बोला ना मैं 50-60 रुपए वाले। अभी अभी जो नए प्रोडक्ट लाए लॉन्च करे उसकी प्राइस बहुत हाई है, तो मैं मेरा वादा निभा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइसिंग जो है प्रीमियम रेंज वाले गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की रिटेल प्राइसिंग, एमएलएम प्राइसिंग नहीं, रिटेल प्राइसिंग। जैसे कम्बुचा, अगर आप जाओ आज की डेट में, कम्बुचा करीबन 200-150 रुपया ये रेट में बिकता है मार्केट में, सुपर मार्केट में, लेकिन हमारा 115 रुपीज में आपको मिलता है, आप 145 में बेच सकते हो। ठीक है, मतलब आपने किसी को डीलरशिप भी दी कि भैया आप यहाँ कम्बुचा बैठते हो तो एक हेल्दी ड्रिंक आप बनाओ, आप बेचो, उसको आपने 115 रुपए में उसको दिया तो भी वो 145 में बैठ के कुछ प्रॉफिट कमा लेगा, राइट ना? तो क्योंकि उसमें एमआरपी लिखी हुई है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं, जैसे अभी शैम्पू की बात आती है, शैम्पू भी मेरे को पता है बॉटल वाली शैम्पू आदमी ट्राई नहीं करता, आदमी इंडिया में यहाँ पे भी उन्होंने बॉटल नहीं दी हमको, छोटे छोटे सैशे डाल के रखा हुआ सब जगह, राइट ना? तो हमको सैशे चाहिए, तो हमारी शैम्पू की भी छोटी छोटी सैशे आ रही है, ऑलरेडी ट्रायल दिया हुआ बॉडी फोम और जो गैनियोजी हमारा शैम्पू है दोनों सैशे में आ रहे हैं, आप सैशे ले लो। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी टूथपेस्ट छोटी है ना 40 ग्राम की, अच्छी है, उससे भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 8 ग्राम की लाओ, कभी एक दो दिन का ट्रैवल हो तो उतना ही ले लो, कभी बात करना है तो उनको सैम्पलिंग देने के लिए काम आता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैक, डिस्ट्रीब्यूटर पैक होता है बिजनेस पैक, 50-100 का पैक होता है, वो छोटे 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 आप किसी को भी दे भी सकते हो, उसका प्राइस भी आप एकदम मिनिमम प्राइस में आप किसी को भेज भी सकते हो, ट्राई कर लो भैया, देख लो, आदमी 15-20 रुपये देने के लिए हिचकिचाता नहीं है, एक बार ब्रश करके ट्राई करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी वाली लेके चले ना चले क्या पता, राइट ना? तो हम लोग अभी भी इंडियन है और इंडियन मेंटालिटी है, प्राइस सेंसिटिव है, तो ये डेफिनेटली आपको मालूम है। ओके, सो एनीबडी एल्स, हनी इसको, या हनी, दो हनी आ रहे हैं, एक वाइल्ड हनी और फ्लोरल हनी, ये मेरे हिसाब से जुलाई 10 के आसपास ये नेक्स्ट मंथ में लॉन्च हो रही है। ओके, टू हनी, और क्या था, स्पाइसेस का थोड़ा चैलेंज है क्योंकि मार्जिन जो है ना वेरी थिन इन इंडियन स्पाइसेस मार्केट में, क्या हो रहा है जो जो मार्जिन नहीं हो पा रहे ना, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि प्राइस कंपोनेंट नहीं रहेगा, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा डिफरेंशिएशन प्राइस होना चाहिए जहाँ बिजनेस भी कर सकते। ओके, सो इफ इट इज नॉट वर्किंग वी आर लीविंग। लेकिन दो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हल्दी और मिर्ची, एक हल्दी जो लटाकाउन की हल्दी है विथ हाइएस्ट कुरकुरमिन वैल्यू की, वो हल्दी हम लॉन्च करेंगे ताकि आपको जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये हो, तो घर में सबको हल्दी लगती है, हल्दी ये हर घर में इंडियन घर में लगती ही लगती है, तो एक हल्दी लॉन्च करेंगे और मिर्ची की सेवा तो हम रह नहीं सकते, तो मिर्ची हमारी जो साउथ में देयर इज अ प्लेस गुंटूर मिर्ची इज हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सपोर्टेड मिर्ची इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की हुई थी, वो हाई क्वालिटी मिर्ची हम इधर लेके आ रहे हैं। ओके, सो नूडल अभी नहीं, आइस ड्रॉप सर, आइस ड्रॉप, आई ड्रॉप अभी फिलहाल नहीं, वी आर कमिंग अप विद आपका फ्रॉम योर क्लिनिक, व्हाट इज कमिंग, काजल आ रहा है, काजल आ रहा है, घी आ रहा है, त्रिफल दो आई ड्रॉप्स के लिए, वो बुला रहे हेड है, वो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आई नो दैट। उसके बाद ये आ रहा है, हम लोग एक ये ला रहे हैं जो आयुर्वेद में बोलते हैं ना पोटली, पोटली ऐसे पोटली लगते हैं वनस्पतियों की पोटली है, 10 मूल लगा के एक पोटली बनाई हुई है और ये पोटली के साथ हम लोग दे रहे हैं महानारायण तेल कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट को आप किसी तेल के साथ मिक्स कर लो, जैसी आपकी कंडीशन है उसका रेशियो लिखा रहेगा,
तो अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत सीवियर पेन है, तो आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना पड़ेगा। जब माइल्ड कंडीशन है तो उसको आप और भी डाइल्यूट कर सकते हो। महानारायण तेल का कॉम्पोजिशन के साथ आप बना सकते हो खुद वो तेल और उसके साथ पोटली। तो आपको खुद को ही पोटली श्वेत करना है जहाँ दर्द है। तो ऐसी एक पोटली आएगी वनस्पतियों से भरी हुई, वो आपको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी करना है, वो पोटली को श्वेत रख देना है। जिस एरिया में आपको दर्द है, सपोज बैक में दर्द है, वहाँ पे तेल लगाना है, वो पोटली जो गर्म पानी में वो डूबी हुई यहाँ पे लगा देनी है। वनस्पति के जो भी अंश है इसको हम बोलते हैं स्वेदन, पहले स्नेहन और फिर स्वेदन। ओके, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा, एक ये आ रहा है चिली विनेगर, चिली विनेगर आ रहा है। ये एक्चुअली क्या होता है, हम लोग उसको नेचुरली विनेगराइज करते हैं, चिली को लेते हैं और यू नो विनेगर में रखते हैं फॉर सम टाइम, सो दैट इट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिशनली। तो ये डॉक्टर का फेवरेट फूड है, वो बोलते हैं कि फॉर योर गट इट इज़ वेरी गुड, वो एसिड अपने गट के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि ये मैं खाता हूँ तो मुझे लगता है मेरे नेटवर्कर भी खाए, इसलिए हम एक चिली लॉन्च कर रहे हैं। तो मिर्ची है ये, आप खाने में हम लोग तली हुई मिर्ची खाते हैं, ये मिर्ची खाते हैं, वो मिर्ची खाते हैं, उससे अच्छा फर्मेंटेड मिर्ची कभी भी अच्छी। तो फर्मेंटेड मिर्ची बना के हम लोग वी आर लॉन्चिंग दैट, दैट इज कमिंग आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ ओनली। फिर उसके साथ अचार में टोमेटो सॉस आ रहा है। तो आप लोग गए थे लास्ट टाइम, वो सब वो बंदा मेरा नेपाल गया था इसलिए रुक गया था वो, लेकिन मैंने वापस बुला लिया। तो टोमेटो, फिर वो चिली सॉस, टोमेटो सॉस और चिली विनेगर और पपाया।